आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हॉल है यहाँ पर वो काफी खुशनुमा है क्योंकि विधान परिषद की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और रामचंद्र प्रधान जो कि लखनऊ उन्नाव सीट से विधान परिषद के प्रत्याशी थे उन्होंने भी जीत दर्ज की है। फिलहाल जो उनके साथ के लोग हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत करी वो इस वक्त यहाँ पर बीजेपी के लिए नारेबाजी करते हुए, रामचंद्र प्रधान के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले तक इन्हीं लोगों की मेहनत से ये चुनाव जो है वो रामचंद्र प्रधान ने जीता है। आइए उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कृपया आप लोग थोड़ी देर शांत रहिएगा। हमारे साथ वत्सल शर्मा है, बहुत मेहनत की इन्होंने इस पूरे चुनाव में रामचंद्र प्रधान जी के साथ मिलकर के और उसी का नतीजा है कि यहाँ से एक बार बड़ी जीत जो है विधान परिषद के चुनाव में रामचंद्र प्रधान ने जीत दर्ज की है। वत्सल क्या कहना है इस जीत के बाद? इस जीत के बाद मैं सुनील सिंह साजन को सिर्फ बधाई देना चाहूँगा और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि हमारे सुनील सिंह साजन जी अब पूर्व MLC हो चुके हैं, इसके लिए अपने हमारी तरफ से और भाजपा की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अब आगे की तैयारी करें। अच्छा, बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव में कहा है कि उनके पर्चे नहीं भरने दिए गए, मारा गया कैंडिडेट्स को, लेकिन तब भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो लोग नहीं ऐसा है, वो लोग गुंडाई जैसा किया है ना, उनका स्वभाव ऐसा रहा है, उन्होंने ऐसा सोचा है कि वो लोगों के साथ करते चले आए हैं। हमारी पार्टी ने लोकतांत्रिक तौर पे चुनाव लड़ी है और आप ये देखिए कि हर जगह चुनाव हुए हैं, शासन सत्ता का कोई नहीं। हमारे जब हमारे असेंबली चुनाव हुए अभी विधानसभा के, तो लोगों ने बता दिया, बुलडोजर बाबा ने दिखा दिया वो ताकत और जनता का पूर्ण विश्वास और समर्थन रहा हमारे जनप्रतिनिधियों ने। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 1% बहुमत सरकार आई है और आप देखिए जीरो पे आउट हो गए हैं। माननीय अखिलेश के कपड़ों से बदबू आ रही है जो बताते हैं लोगों, ठीक है, अब अखिलेश के कपड़ों से बदबू आ रही है जो जनता उनको छोड़ दे रही है क्योंकि जनता उनका साथ नहीं दे रही है। और अब इस चुनाव के अलावा आप देखिए कि इनकी इतनी बड़ी हार हुई है, इससे पता चलता है कि हमारे योगी मोदी पे जनता विश्वास कर रही है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। आप इस जीत को किस नजर से देख? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से रामचंद्र प्रधान जी को MLC बनने पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं समाज सेवा लेवी आई हूँ और यही कहना चाहती हूँ, वो इतने अच्छे मतलब व्यक्ति हैं जो सबके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाले हैं और जैसा कहा गया है वैसा वो करेंगे भी। और मैं उनको तहे दिल से और सबकी तरफ से मीडिया बंधु जो भी हैं और बधाई देती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी वो जीते हैं, रामचंद्र प्रधान जी जिंदाबाद। तो ये लोग वो लोग थे जिन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत करी, बीजेपी के लिए वोट मांगा, रामचंद्र प्रधान के लिए वोट मांगा और उसी का नतीजा है कि एक अहम सीट जो कि समाजवादी पार्टी के पास थी, सुनील सिंह साजन इस सीट से सिटिंग MLC थे, उन्हें हराकर रामचंद्र प्रधान यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं और उसमें इन सबका एक बहुत बड़ा हाथ है। फिलहाल नतीजे जो आए हैं उसमें साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता दल विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी अब काफी मजबूत हो गई है और यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं उनके लिए काफी समस्याएं आने वाले दिनों में होंगी क्योंकि आगे क्या रणनीति तय करी जाएगी ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।